ब्रेकिंग न्यूज, मोदी ने दिया इस्तीफा, ज्वाइन करी ब्रिगेडियर बन गए मोदी जी। पाकिस्तान डर गया, बांग्लादेश डर गया, चीन भूटान सब कांप रहे भैया, सब कांप रहे। अरे घर को पहले संस्कारी राष्ट्र बनाइए, संस्कारी हाउस बनाइए, फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे बाबा हो महाराज, घर में अपने पूजा पाठ करो, सीताराम करो, वो ठीक है, अनर्गल बयानबाजी मत दो। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दो भैया। हिंदू राष्ट्र आएगा, हाँ, बोलने की आजादी छिन जाएगी। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, आपके अनर्गल बयानबाजी में नहीं, संविधान को मानने वाला हूँ। संविधान अगर इजाजत देता है बनाइए हिंदू राष्ट्र, ये अधिकार भी आपको हिंदू राष्ट्र ने नहीं दिया है, संविधान ने दिया है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसमें तो 500 मछलियां ऐसे हैं जो इसने पूरे तालाब का क्या, पूरे भारतीय जनता पार्टी को नरक कर दिया है। अनुराग ओझा से मेरा सवाल है कि आप अखंड भारत के समर्थन में है कि नहीं, क्योंकि धीरेन्द्र दास शास्त्री ने जिस तरीके से कहा कि अखंड भारत, पाकिस्तान को भी हम मिलाना चाहते हैं भारत में, किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आता, पहले कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर ये कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, ये बनाना क्या चाहते हैं? पहले बाबा से पूछ के आओ। पहले हिंदू राष्ट्र, बाद में अखंड भारत। पहले हिंदू राष्ट्र, तो अखंड भारत बनाएंगे तो भैया पाकिस्तान वाले कम से कम 20 करोड़ मुसलमान भाई आएंगे, अफगानिस्तान वाले आएंगे और भी दूसरे देश वाले आएंगे, तो हिंदुओं का क्या होगा? हिंदुओं का क्या होगा? हमें नहीं चाहिए भैया अखंड भारत, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों हमें नहीं चाहिए भैया? नहीं चाहिए, मुँहते भी आपसे पूछ के। देश पावरफुल होगा, आपको बर्दाश्त। पावरफुल होगा, अखंड भारत होगा। अखंड भारत भैया बन गया तो आज जिनसे सरकार डर रही है, जिनसे नंगा कर देने वाला बाबा डर रहा है, जिनसे लाला रामदेव डर रहा है, उन्हीं का हुकूमत आ जाएगी। किससे डर रहा? किससे डर रहा है? किससे डर रहा है? अरे भैया यहाँ पे हिंदू किससे खतरे में है? वर्तमान सरकार कहती है ना हिंदू खतरे में है, हिंदू को किस बात से खतरा है? ऐसा वो कहना चाहते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। अगर अखंड भारत बन गया तो भैया हिंदू का कुछ नहीं होगा भैया, मुतेगा भी तो मुसलमान से पूछ के, हगेगा तो मुसलमान से पूछ के, मतलब कुछ भी करेगा ना तो मुसलमान से पूछ। कुछ हमें नहीं चाहिए भैया। मोदी जी जो थरथर कांप रहे पड़ोसी मुल्क, मोदी जी थरथर कांप रहे मैंने सोचा मोदी जी थरथर कांप रहे हैं। मोदी जी सही कांपते हैं, वो तो शुरू से ही कांप रहे हैं, अंबानी जी से कांप रहे हैं, अडानी जी से कांप रहे हैं, मुल्क कांप रहे हैं मोदी जी से। कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी मतलब किसमें, मिलिट्री में आ गए हैं, आर्मी में आ गए? मोदी जी छोड़ दिया प्रधानमंत्री पद से, इस्तीफा दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी ने दिया इस्तीफा, ज्वाइन करी ब्रिगेडियर बन गए मोदी जी। पाकिस्तान डर गया, बांग्लादेश डर गया, चीन भूटान सब कांप रहे भैया, सब कांप रहे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया ना। अखंड भारत नहीं देगा, आप बात को घुमाइए। नहीं, बात कहाँ घुमा भाई साहब, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे हो ना, सबका कैमरा ऑन है। अभी इन्होंने क्या कहा मोदी जी से कांप रहे हैं? कांप रहे ना, तो मोदी जी आर्मी में है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से कोई कांपता है? क्यों नहीं कांपेगा, बड़ा मुखिया देश का, बड़ा मुखिया है, तभी बड़ी बड़ी फेंकता रहता है, बड़ी बड़ी फेंकता रहता है, बड़ी बड़ी फेंकता। बात को घुमाइए मत, आप ये बताइए कि अखंड भारत से क्या आपत्ति है आप? भाई अखंड भारत से मुझे ही नहीं, देश की 135 करोड़ जनसंख्या को आपत्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कारी बाबा कह रहे हैं भाई, मैं विश्वास नहीं करता उनपे। अच्छा, उनके भाई का नाम है सालिग्राम, सुट्टा पी रहा है, सुट्टा समझते हो ना, बीड़ी सिगरेट कहते हैं गाँव की भाषा में, और भैया तमंचा लहरा रहा है जैसे हम कट्टा कहते हैं। शौक पाले होंगे, शौक, ये शौक पाले हैं। ए बाबा शौक है ही। अरे घर को पहले संस्कारी राष्ट्र बनाइए, संस्कारी हाउस बनाइए, फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बाद में बनाइएगा आप, पहले संस्कारी घर बनाइए। घर तो संभलता नहीं है, देश संभालने चले हैं। अरे बाबा हो महाराज, घर में अपने पूजा पाठ करो, सीताराम करो, वो ठीक है, अनर्गल बयानबाजी मत दो, वो सेहत के लिए भी नहीं ठीक है। तो ये बताइए, हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें संविधान राष्ट्र चाहिए, संविधान राष्ट्र चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दो भैया, 5 फायदे बनाओ। नुकसान बताइए ना, क्या है नुकसान, आप बताइए। पहला नुकसान तो आपका ही होगा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपके हाथ में माइक नहीं रहेगा। पहला नुकसान सुनो, हिंदू राष्ट्र आएगा, हाँ, बोलने की आजादी छिन जाएगी, बोलने की आजादी छिन जाएगी। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, आप सुनिए, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बताइए, संविधान राष्ट्र के 500 फायदे गिनूंगा। लगा करके हिंदू राष्ट्र का जो है आप खंडन कर रहे हैं। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, आपके अनर्गल बयानबाजी में नहीं, संविधान को मानने वाला हूँ। संविधान अगर इजाजत देता है बनाइए हिंदू राष्ट्र, संविधान इजाजत देता है। संविधान को मानते हो नहीं मानते, 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 ये बताइए। अरे बोलो,
जहर खा लिए हो, मानते हो ना? बोलो संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद ना, आपके कहने से बोलेंगे। अच्छा देखो, संविधान भी जिंदाबाद नहीं बोलने को तैयार है। कहने से बोलेंगे। अच्छा हमारे कहने से नहीं बोलोगे? नहीं, आप उन्हीं के जो नंगा करने की बात करता हो उनके कहने पे बोलो। जो नंगा क्यों बोले भाई, हम आपके कहने से क्यों बोले? आपको हर चीज से, सुनिए, ये अधिकार भी, ये अधिकार भी आपको संविधान ने दिया है, ना कि हिंदू राष्ट्र ने दिया है। ये अधिकार भी आपको हिंदू राष्ट्र ने नहीं दिया है, संविधान ने दिया है। रामराज जो बनाने की कल्पना कर रहे, कहते हैं रामराज लाएंगे, सबसे ज्यादा बलात्कार वही लोग करते हैं, उसी पार्टी के लोग करते हैं। आप एक चीज बताइए, कुलदीप सेंगर किस पार्टी में है, मनोज मित्तल किस पार्टी में है, और वो चिन्मयानंद स्वामी भगवाधारी किस पार्टी में था, बताइए? कुछ लोगों को नहीं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसमें तो 500 मछलियां ऐसे हैं जो इसने पूरे तालाब का क्या, पूरे भारतीय जनता पार्टी को नरक कर दिया है। योगी बाबा के बुलडोजर से तो वहाँ पर देख रहे हो क्रांति आ रही थी पहले। क्रांति भैया, देश संविधान से चलेगा, न्याय प्रणाली भैया कोर्ट फैसला देगा, ये बुलडोजर कौन होता है? ये भैया देश में एक मतलब हिटलरवाद है कि तानाशाही है, ये जबरदस्ती बुलडोजर चलवा दो। बोल सुनिए, ये संविधान पे प्रतिबंध लगाने का काम किया। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है भैया, सरकार की नीतियां मुझे पसंद आएगी समर्थन करूंगा, नहीं पसंद आएगी विरोध करूंगा। संविधान ने अधिकार दिया भी, इसका मतलब कि मैं सरकार के अगर नीतियों का विरोध करूंगा तो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, चारों तरफ बुलडोजर भैया, बुलडोजर। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये कानपुर में, क्या घटना कानपुर में? भैया इन्होंने ब्राह्मणों को सताया है और योगी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, आज तक कोई बोल नहीं रहा। कल तक क्रांति आ रही थी इसी बुलडोजर से, आज ताली जो पीटने वाले थे आज छाती पीट रहे हैं। बिल्कुल भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस दिन एक मुस्लिम भाई पे या सिख भाई पे या ईसाई भाई पे या हिंदू भाई पे बुलडोजर चला था ना, उसी दिन हम मुंह तोड़ के जवाब दे देते ना, तो आने वाले समय पे एक भी बुलडोजर ना चलता। इसी बुलडोजर से न्याय बन रहा है। मैंने क्या कहा, अगर बुलडोजर से न्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दीजिए, कोर्ट बंद करवा दीजिए, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सारी भैया जितने भी अनुशासन प्रशासन है सबको बंद करवा के बैठा दीजिए, अपना बुलडोजर घुमाते रहिए। योगी बाबा कह रहे हैं नहीं, हम योगी बाबा का हिंदू, योगी जी से भी प्रॉब्लम आपको? नहीं, मुझे विकास पे विकास कर रहे हैं, शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं, विकास ला रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जिसने अपना ही नाम बदल लिया हो, दूसरों का नाम तो बदलेगा ही भैया। उनका नाम क्या था? लखनऊ का नाम अजय कुमार बिष्ट, अजय कुमार बिष्ट। आपका नाम हो गया योगी आदित्यनाथ, नाम बदल लिया, दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपना नाम बदल लिया, उसने अगर जिले का नाम बदल दिया, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, वो पत्रकार महोदय गिनवा रहे हैं, राष्ट्र के लिए लगातार बोल रहे हैं। मोदी जी ने बोला, योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी क्या है, मुख्यमंत्री हैं, योगी जी के बोलने से कुछ होगा? सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े प्रदेश के प्रधानमंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री। भविष्य में भैया हम तो कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता चाहती है उन्हें। हम कहते हैं आप भी प्रधानमंत्री बनोगे, हम कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम कहते हैं ये चाचा प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको रास नहीं आ रहा है क्या? ये सब रास नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा, जनता पसंद कर रही है। किसको जनता पसंद कर रही है? अरे ये घमंड है, घमंड है, किसी को कोई नहीं पसंद कर रहा। ये भाई साहब, इन्होंने संविधान की हत्या कर दी, हिंदुओं की हत्या कर दी, मुसलमानों की हत्या कर दी, सिखों की कर दी, ईसाइयों की कर दी, अब ये देश की हत्या करने में तुले। देश सुरक्षित हाथों में है, देश भैया सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो यहाँ पे आए दिन महिला नोची न जाती, अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो युवाओं पे लाठी चार्ज नहीं होती उत्तराखंड में, अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो बुलडोजर ना चलता, देश सुरक्षित हाथों में। अभी तो आप बिना बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाइए सरकार की बातों को। मैं भाई मैं धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है उन्होंने अगर अखंड भारत की बात कही है तो आपको मान लेना चाहिए ना, अखंड भारत में आपको उसमें भी आपत्ति, आप पाकिस्तान बिल्कुल 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 हो सकता है अखंड भारत में आतंकवाद भी मिट जाए, आतंकवाद मिट जाए, सबसे ज्यादा आतंकवाद हो जाएगा, सबसे ज्यादा आतंकवाद हो जाएगा। एक चीज बता, देश, अच्छा मैं देश का नहीं हूँ भैया, क्या देश में जितना अधिकार आपका है, जितना अधिकार मोदी जी का है, जितना अधिकार योगी जी का है, और जितना ही अधिकार उस बाबा का है, सुनिए, अरे जयचंद तो सबसे बड़े जयचंद आप हो, जितना अधिकार उस बाबा का है जो नंगा करने की बात करता हो, या जितना अधिकार उस बाबा को है जो कहता है पांच वक्त की नमाज करो कुछ भी करो, उतना ही अधिकार इस देश में हमारा भी है। हम भैया उनके नंगा करने वाले बाबा पे विश्वास नहीं रखते, अगर वो वाकई में चमत्कारी बाबा है तो 24 घंटे के अंदर चीन को भस्म कर दे तो मैं मानूंगा भैया चमत्कारी बाबा। जयचंदो ने हमेशा विरोध किया है अच्छे कामों का। अच्छा तो जयचंद आप हो? नहीं, आप जैसे जयचंदो ने। तो भैया मैंने कौन से अच्छे कामों का उनके विरोध किया? महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी वाह, युवा रोज पिट रहा है, मोदी जी वाह,
यहाँ पे ना जवान सुनिए अपमान कर रहे, अपमान कर रहे, अपमान लगातार आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए, प्रधानमंत्री का अपमान है ये प्रधानमंत्री का अपमान में नहीं कर रहे। कौन सा अपमान कर दिया कौन सा भैया, देश की तमाम बेटियों का जिसने अपमान किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बेटी पढ़ाओ। और बाकी सारे चाचा भी समझदार है, पत्रकार भी समझदार है कि क्या कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, किसने बोला था प्रधान? अरे खड़ा गई क्या बात कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए ना उसके लिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए ना। भाइयों बहनों मित्रों, मैं नरेंद्र दास मोदी, मुझसे गलती हो गई, भाइयों बहनों मित्रों मैं क्षमा चाहता हूँ, बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। धन्यवाद। अरे जवाब नहीं है, जवाब आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है, धन्यवाद करते हो, सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता तो सुनिए पूरी बात और दिखाइए, अगर हिम्मत है किसी भी सुनिए हिम्मत है तो एक भी लफ्ज जिसमें से एक भी बातें कठिनी नहीं चाहिए, जनता सब जानती है। जिस दिन जनता के सामने सच्चाई पेश हो गई ना, उस दिन पत्रकारों ब्राह्मण है हिंदू है वो भी ऊपर से सनातनी 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 हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू भाई मैं बताता हूँ। मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, मोदी जी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं है वो, सुनिए हिंदू राष्ट्र का खंडन सनातन भारत का। भैया इस देश को संविधान राष्ट्र बना दो, अनुराग सबसे आगे खड़ा रहेगा। इस देश को संविधान राष्ट्र बनाइए, हिम्मत है तो, किसी भी हो, नंगा करने वाला बाबा हो या बुलडोजर वाला बाबा हो, देश का प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, संविधान राष्ट्र बनाइए। सालों से आखिर लगातार हिंदू राष्ट्र की बातें क्यों उठने लगी? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक चीज बताइए, मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग मानते हैं हिंदू, हम भी कहते हैं हम हिंदू है, मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, जो मुगल लोग थे वो साकोहा कहते थे तो उन्होंने हिंदू नाम दिया है। और मोदी जी समझदार हैं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझदार होंगे ही, बाकी तो अनर्गल बयानबाजी करते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत तो होगा, 1% तो दिमाग होगा ही। उन्होंने बताया हिंदू कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इस्लाम धर्म है, आप भी मानते हो पत्रकार महोदय इसको, मुसलमान कोई कहते धर्म है, मुसलमान धर्म थोड़ी है, इस्लाम धर्म है। चलिए धन्यवाद।